नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। देश के जाने माने उद्योगपति हैं राहुल बजाज। उन्होंने कहा है कि देश में इस समय डर का माहौल है। लोग सरकार की आलोचना करने से डर रहे हैं क्योंकि लोगों में ये यकीन नहीं है कि उनकी आलोचना को सरकार में सराहा जाएगा। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये बातें कहीं और कुछ तीखे सवाल पूछे। राहुल बजाज ने होम लिंचिंग से लेकर साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कार्रवाई नहीं किए जाने का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग आपसे डरते हैं। कार्यक्रम में मंच पर अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल बैठे थे। तभी सवाल करने के लिए राहुल बजाज उठे। उन्होंने कहा, साध्वी प्रज्ञा को पहले तो टिकट दिया गया, फिर जब वो चुनाव जीत कर आई तो उन्हें डिफेंस कमेटी में ले लिया गया। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कोई कन्विक्ट ही नहीं हुआ अभी तक। अगर कन्विक्ट ही नहीं हुआ तो क्राइम हुआ ही नहीं। राहुल बजाज ने लिंचिंग और प्रज्ञा ठाकुर के बाद देश के माहौल के ऊपर बात की। उन्होंने कहा, माहौल जरूर हमारे मन में है लेकिन इसके बारे में कोई बोलेगा नहीं। मैं खुले तौर पर इस बात को कहता हूँ, एक माहौल तैयार करना होगा। जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो हम किसी की भी आलोचना कर सकते थे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम खुले रूप से आपकी आलोचना करें, विश्वास ही नहीं होता कि आप इसकी सराहना करेंगे। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। राहुल बजाज के सवाल और शंकाओं पर अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, किसी को किसी के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। मीडिया में नरेंद्र मोदी सरकार की लगातार आलोचना हो रही है लेकिन यदि आप कह रहे हैं इस तरह का माहौल पैदा हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और यदि इसकी आलोचना होती है और इस आलोचना में दम है तो हम इसे सुधारने की कोशिश करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो किसी भी हाल में प्रज्ञा के बयान का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की कड़ी आलोचना करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर सफाई दे चुके हैं। पार्टी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि प्रज्ञा जी ने भी माफ़ी मांगी। वो गोडसे की जगह उधम सिंह के बारे में कहना चाह रही थी लेकिन उन्होंने जो भी कहा है वो ना तो सरकार और न ही पार्टी उनके बयान का समर्थन करती है। हम लोग पूरी सख्ती से इस बयान की आलोचना करते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल बजाज और अमित शाह की बातचीत का वीडियो काफ़ी शेयर हो रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद के हालात पर शाह ने कहा, मैं उद्योगपतियों से अपील करता हूं कि वे कश्मीर जाएं और वहां हालात को देखें। कश्मीर के हालात पर टिप्पणी करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर आपको कश्मीर की सही स्थिति के बारे में जानना है तो आपको कश्मीर घूमने के लिए जाना चाहिए। देश का गृह मंत्री होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूँ, कृपया आप कश्मीर घूमने जाइए। आप खुद देखेंगे कि वहाँ हालात सामान्य हैं। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। कैमरे के पीछे है राशिद। थैंक यू।